मैं आपसे अगर पूछूं इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, दोनों की जो एज है वो बहुत फर्क से है। आपको सुनकर हैरत होगा, बता रहा हूँ मैं कि ग्रोथ रुकती कैसे है और ग्रोथ फास्टली होती कैसे है दोनों बच्चे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शाही गॉड फार्म में आप सभी का स्वागत है। सो एक नए टॉपिक के साथ फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है गॉट फार्मिंग के लिए। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा और टाइटल देख के, ये एक फीमेल किड्स है और ये एक मेल किड्स है। दोनों को साथ में रखता हूँ तो साथ में वीडियो देखें, ये दोनों के साथ में वीडियो देखें। ये फीमेल है, ये वही हाइट का मेल है। अब मैं आपसे अगर पूछूं इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, दोनों की सेम साइज है। मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादातर दोनों की पैर और जो भी है हाइट और जो भी है दोनों सेम है, लेकिन दोनों की जो एक चीज़ बता दूँ, उम्र दोनों की जो एज है वो बहुत फ़र्क से है। आपको सुनकर हैरत होगा, ये मतलब इसमें एक चीज़ ये बता रहा हूँ मैं कि ग्रोथ रुकती कैसे है और ग्रोथ फास्टली होती कैसे है। दोनों बच्चे आप देख सकते हो सेम टू सेम है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका डेट तो ये 8 से 9 महीने की है। ये वाली फीमेल 8 से 9 महीने की है और ये जो वाला मेल है ये डबल हड्डी में, तो ये सिर्फ 1.5 से 2 महीने का है और सेम ग्रोथ है दोनों की, इस फीमेल की और मेल की, जबकि ये 7 से 8 महीने का है, मतलब फ़र्क 6 महीने का है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो बकरा है मेल, इससे 6 महीना आगे चल रहा है, मतलब अभी दोनों की हाइट सेम है, ये आगे चल के और अच्छा बनेगा, ये भी बनेंगी, बाकी लेट इतना इसकी ग्रोथ रुक गई है तो ये लेट बनेंगी। इसका मेन रीज़न ये है क्या? सो इसका मेन रीज़न सबसे पहले तो ये है कि जो इनके अंदर जो मतलब जो सब तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो भी इसे विटामिन और जो भी इनको तत्व अगर पूरी तरीके से सही से नहीं मिलते और दूध इनको प्रॉपरली नहीं मिलता है तो इससे इनकी ग्रोथ रुकती है, और दूध अगर इनका प्रॉपर होता है तो ग्रोथ ऐसी होती है। ये 2 महीने 1.5 महीने की ग्रोथ है आप देख सकते हो, और सेम साइज है दोनों की, और ये 8 से 9 महीने के, 9 महीने तो पकड़ ही लो इसका, 9 महीने की है, सेम साइज है। बस ये ऐसा समझो कि ये जाला जो मेल किड्स है जिसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये इससे 5 से 6 महीना आगे चल रहा है। इससे मतलब गॉट फार्मिंग का फ़ायदा यह है कि बच्चे जितनी जल्दी डबल हड्डी पे आएंगे और अच्छी तरीके से ग्रोथ लेंगे, बड़े होंगे तो जल्दी बिकेंगे, और अगर बच्चों की ग्रोथ रुकती है, बच्चों की ग्रोथ रुकती है तो वो छोटे ही दिखेंगे हर टाइम आपको। जैसे ही अभी इसकी साइज़ मतलब ये 8 से 9 महीने का अगले साइज़ सेम है, और इसको प्रॉपरली दूध नहीं मिला है माँ का। असल में ऐसा हुआ था कि मैं एक वीडियो डालूँगा कि माँ जो है तो भूल जाती है बच्चों को, तो इसकी माँ इसको मतलब भूल गई थी तो दूध नहीं पिला रही थी, इसको पकड़ उकड़ के मैं पिलाया हूँ और माँ जल्दी क्रॉस होने के कारण इसको दूध नहीं मिला, और दूध नहीं मिलने के या उसके अंदर के जो सभी तत्व थे उसको कम पहुँचे तो इससे इसकी ग्रोथ रुक गई। ये टॉपिक पे अभी तक वीडियो आया नहीं है, फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोगों का सवाल होता है बच्चा जल्दी जल्दी कैसे बढ़ता, तो ये अगर उसको प्रॉपरली दूध वगैरह सब मिला तो उसको उसकी ग्रोथ रुकती नहीं, फिर 2 महीने में ऐसी ग्रोथ हो जाती है कि आपको जैसे जो ग्रोथ रुकी हुई बच्चा है तो ये भी आपको मतलब 8 महीने के बच्चे जैसा पहुंच जाएगा। ये बच्चा 2 महीने वाला देख सकते हो आप, ये 2 महीना या 1.5 महीने का और ये 8 से 9 महीने की। सो अपने बच्चे पे जो ब्रीडिंग सेटअप का जो चलाते वो अपने बच्चों पर ध्यान दे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध मतलब ये नहीं, अपन अगर माँ को प्रॉपरली खिलाएंगे इसका अनाज उनाज चारा टाइम टेबल पे अगर दिए तो इसको मतलब के दूध
ज़्यादा आएगा। अभी देखो बच्चे का, ये बच्चे का, इसका ही बच्चा है ये, इसका पेट भरा है लेकिन फिर भी माँ के थन में दूध है। मतलब कि अगर अपन माँ को, मतलब जो फीमेल होती है इसको अगर प्रॉपरली खिलाएंगे तो बच्चों को दूध अच्छा मिलेगा और बच्चे ग्रोथ करेंगे। सो ऐसा होता है। और इसके टाइम पे मतलब ही नहीं, माँ को कम खिलाया गया है तो उसने दूध कम दिए, तो वो हिसाब से भी ये बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है। और भी ऐसे बहुत से टॉपिक है। और अगर अपन ये माँ का दूध अगर रुकता है बच्चों में, तो फिर अलग से अपन इसको ज़्यादातर कुछ भी दे दे तो जो ग्रोथ रुकी है वो तो थोड़ी यानी रुकेंगी। यार जो माँ का दूध अगर इसको कंटिन्यू मिला तो एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसा कि आप अलग से जो विटामिन मिनरल वगैरह जो लाते हैं ये देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन माँ के दूध अगर मिल जाते हैं तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी देना चाहिए अपने को। आप देख सकते हो दोनों की सेम ग्रोथ है। इसको थोड़ा बीमार बच्चा है, बस ये आपको बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। इसका प्रैक्टिकल वीडियो बन रहा है इलाज का, इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सो अगर आप अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो इलाज की जो मैं करता हूँ, तो मेरे चैनल, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनके बच्चे भी जो आते हैं अवेलेबल फॉर सेल के लिए, इसी चैनल पर मैं डालता हूँ। सो फॉर सेल वीडियो देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो आए तो आप तक के उसका नोटिफिकेशन